मोस्ट साइंटिफिक वे टू ट्रेन लेग्स. अगर आपने मेरी मोस्ट साइंटिफिक वे की सीरीज नहीं देखी है, मैंने पूरी वर्कआउट सीरीज बनाई है चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब के लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखिए. लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ मोस्ट साइंटिफिक वे टू ट्रेन लेग्स. गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन पे क्लिक कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ बेल आइकन है, उस पर क्लिक करना मत भूलिए. लेग्स एक बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैव अ प्रॉपर वर्कआउट जिसमें आप पूरे लेग्स को प्रॉपरली हिट कर पाएंगे. हम लेग्स को डिवाइड करने वाले हैं चार ग्रुप्स में, चार मसल ग्रुप्स में. सबसे पहले हमारे वहां होने वाला है फ्रंट ऑफ द लेग्स, दैट इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स. उसके बाद बैक ऑफ द लेग्स, नोन एज हैमस्ट्रिंग्स. उसके बाद हमारे ग्लूट्स यानी कि हमारी एस, एंड फोर्थ एंड फाइनल हमारे काव्स. अगर आप मेरी मोस्ट साइंटिफिक वे को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहली मूवमेंट जो भी वर्कआउट की हम लेते हैं, वो लेते हैं जो एक बेसिक कंपाउंड मूवमेंट हो जो आपके ओवरऑल मसल ग्रुप को हिट करे. और लेग्स के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज होने वाली है, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज वो होने वाली है बैक स्क्वाट्स. बैक स्क्वाट जो है आपकी ओवरऑल लेग डेवलपमेंट में हेल्प करती है. एंड इट हैज़ बीन शोन कि सबसे ज़्यादा जो लेग्स की ग्रोथ होती है वो आपकी स्क्वाट से आती है. अब बैक स्क्वाट जो है इज द नंबर वन मूव फॉर ग्रोइंग द लेग्स. लेकिन बहुत लोग जो हैं वो बैक स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हैं प्रॉपरली मोबिलिटी इश्यूज की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी, नी पेन या बैक पेन की वजह से. तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप एक बिगिनर हैं या आप स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हैं, देन आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये आपके बैक के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालेगी, आपका बैलेंस अच्छा करेगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ाएगी, जो इनडायरेक्टली आपकी स्क्वाट्स की मूवमेंट या स्क्वाट्स की डेप्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं. क्योंकि बहुत लोग जो है प्रॉपर स्क्वाट डेप्थ तक नहीं जा पाते हैं. तो बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर स्क्वाट्स जस्ट इन केस आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लेग्स को ट्रेन करना या आप में मोबिलिटी नहीं है बैक स्क्वाट्स लगाने के लिए. एक बार जब आप मास्टरी कर लेंगे अपनी बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स को, उसके बाद आप बैक स्क्वाट्स लगाने शुरू कर सकते हैं. शुरुआत के लिए आप स्प्लिट स्क्वाट्स में अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिना किसी डंबल्स या लाइट डंबल्स को यूज करेंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपने वेट को बढ़ाते रहना है और अपने बैलेंस इंप्रूव करते रहना है. इन एक्सरसाइजेस के लिए आप लगाने वाले हैं बोथ बैक स्क्वाट्स और द बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. के लिए ये ओवरऑल आपकी लेग डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. यू गोना बी डूइंग 3 sets फॉर 8 to 12 रिपीटेशंस. अब हम बात करते हैं हमारे फ्रंट ऑफ द लेग्स की, जो कि हमारे हैं क्वाड्रिसेप्स. क्वाड्रिसेप्स के लिए द नंबर वन एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी द लेग प्रेस. अब लेग प्रेस जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स एंड काव्स तीनों को भी हिट करेगी, लेकिन जो मेजर ग्रोथ आने वाली है लेग प्रेस से वो आपकी आने वाली है क्वाड्रिसेप्स में. तो लेग प्रेस इज गोइंग टू बी मेजर मूवमेंट. डिफरेंट डिफरेंट फीट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वाड्स को आप हिट करेंगे. तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी फीट पोजीशन को, कभी क्लोज या कभी वाइड या कभी मीडियम रेंज पे, जहां पे आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वाड्स को ग्रो किया जा सकता है. तो इस एक्सरसाइज को आप लगाने वाले हैं 3 sets फॉर 12 to 15 रेपिटेशंस. अब मैं बात करता हूं हमारे हैमस्ट्रिंग्स की. अब हैमस्ट्रिंग्स के लिए जो नंबर वन एक्सरसाइज होने वाली है, जो मैं रिकमेंड करूंगा, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूं, वो होने वाली है RDLs यानी कि रोमेनियन डेडलिफ्ट्स फ्रॉम द रैक. ये एक्सरसाइज एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी हैमस्ट्रिंग्स को ग्रो करने के लिए. इवन कि आपके जो ग्लूट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्टिवेट होते हैं और आपके ग्लूट्स को ग्रोथ में हेल्प होती है, लेकिन जो मेन मसल होगा वो हैमस्ट्रिंग्स होने वाले हैं. इस एक्सरसाइज को सीखना बहुत जरूरी है कि इसको लगाते कैसे हैं. सबसे पहले आप एक बारबेल को रैक के ऊपर रखें, जो स्क्वाट रैक होता है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं. आप बारबेल के पास जाएंगे, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर अपनी ग्रिप लेंगे. अगर आप चाहें रैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक ओवरहैंड ग्रिप लेने वाले हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू स्टैंड एज क्लोज टू द बारबेल एज पॉसिबल. टेक अ डीप ब्रेथ और अपने जो बारबेल है, जो आपकी हैंड्स हैं, उसको इस तरह करना है कि अपने लैट्स को एक्टिवेट करने के लिए आपने इस तरह बिहेव करना है कि जैसे आप रॉड को बाहर की तरफ क्रश करने वाले हैं. तो लाइक दिस, राइट. जब आप इस तरह अपनी रॉड को क्रश करने की पोजीशन में आएंगे तो अपने लैट्स को एक्टिवेट कर देंगे उस टाइम. आपने क्या करना है, रॉड अपनी जो बारबेल उसको रैक से पुल अवे करना है और पीछे हटके यू हैव टू स्टार्ट स्लोली गोइंग डाउन. वेट को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे और जैसे ही आपको एक एक्सट्रीम स्ट्रेच मिलेगा आपके हैमस्ट्रिंग्स में, अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को यूज करते हुए एक्सप्लोर करना है, अपर पोजिशन पे ऊपर आना है. उसी तरह आपने इसको रिपीट करते रहना है. अब इसके लिए जो रेप रेंज है वो 6 से लेकर 15 रिपीटेशन तक जाती है. लेकिन व्हाट आई सजेस्ट, जब आप इस मूवमेंट को पहली बार करने लगे हैं,
आप इस मूवमेंट को लाइट वेट रखिए और 15 रेपिटेशन हाइयर एंड ऑफ द रेपिटेशन रेंज तक जाइए ताकि अपनी फॉर्म को इम्प्रूव कर लें। एक बार अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करते रहेंगे इसके साथ उसी तरह आप अपने वेट को भी बढ़ाते रहेंगे और रेपिटेशन रेंजेस को कम करते रहेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन डू दिस विद बारबेल और द डम्बेल विच एवर यू फील कम्फर्टेबल विद एंड यू गोना बी डूइंग 3 सेट्स फॉर 6 टू 15 रेपिटेशन। अगर आप बिगिनर हैं इस मूवमेंट में तो 15 रेपिटेशन शुरू कीजिए ताकि आपका फॉर्म ठीक हो जाए लाइट वेट के साथ और उसके बाद धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाते रहें और 6 रेपिटेशन तक आ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं तीसरा मसल ग्रुप जो हमारी लेग्स में है वो है हमारा ग्लूट्स। अब ग्लूट्स एक बहुत ही बड़ा सोर्स है हमारी पावर और बैलेंस के लिए बॉडी की। अगर आपके ग्लूट्स जो है वेल डेवलप्ड है तो आप बहुत सारी पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स इवन इंक्लूडिंग द बेंच और द शोल्डर प्रेस और इवन द स्क्वाट ये आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जेनेटिकली ग्लूट्स जो हैं वीक होते हैं तो उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब द नंबर वन एक्सरसाइज इफ आई हैव टू सजेस्ट जिससे आप शुरू कर सकते हैं हमें ग्लूट्स को एक्टिवेट करना, वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं लेकिन द नंबर वन एक्सरसाइज गोइंग टू बी द ग्लूट ब्रिजेस ऑन अ बेंच। ये एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए, आपके ग्लूट्स को ग्रो करने के लिए, हैविंग दैट माइंड मसल कनेक्शन। और अगर आप इसको प्रॉपरली लगाते रहेंगे तो आपके ग्लूट्स जो है बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होंगे एंड यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर अदर लिफ्ट्स आल्सो। तो ग्लूट ब्रिजेस ऑन अ बेंच के लिए आप लगाने वाले हैं समथिंग अराउंड 6 to 15 रेपिटेशंस। आप चेंज कर सकते हैं हर हफ्ते, एक हफ्ते आप हाइयर रेपिटेशंस लगा सकते हैं, दूसरे हफ्ते आप 6 लोअर रेपिटेशन रेंज लगा सकते हैं और वेट बढ़ा सकते हैं जिससे आपको जो ग्लूट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। अब मैं बात करता हूं लास्ट मसल ग्रुप काव्स, जो ऑलमोस्ट सबका वीक होता है लेकिन काव्स को ट्रेन करने से पहले आपको जानना चाहिए काव्स में दो मसल ग्रुप्स होते हैं, एक होता है गैस्ट्रोनीमियस एंड दूसरा होता है सोलियस। अब गैस्ट्रोनीमियस होता है जो आपका ऊपर वाला मसल होता है जो आपके यहाँ पर नी तक अटैच होता है पीछे, और जो सोलियस होता है वो अपने आपके गैस्ट्रोनीमियस से नीचे होता है और अंदर की तरफ होता है जो आपके अटैचमेंट दिखाता है जितनी आपकी नीचे जो आपका पैर है वहां तक जितनी आपकी रेंज ऑफ काफ है उतनी अटैचमेंट की रेंज को बढ़ाता है और वहां पे जो आपका काफ है वो बड़ा लगता है नीचे वाले पार्ट ऑफ द लेग पे। तो गैस्ट्रोनीमियस के लिए आपने क्या करना है, आपने रेपिटेशंस को थोड़ा कम रखना है और वेट को हैवी रखना है। और जो सोलियस है उसके लिए आपने क्या करना है कि वेट थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और जो हाइयर रेपिटेशन एंड ऑफ रेंज है वो हिट करनी है यानी 20-25 रेपिटेशंस। सो आई वुड सजेस्ट टू हिट योर गैस्ट्रोनीमियस विद टू मेन एक्सरसाइजेस जो कि हो सकती है स्टैंडिंग काफ रेजेस या टो प्रेसेस ऑन अ लेग प्रेस मशीन जिसमें आप लगाने वाले हैं 10-12 रेपिटेशंस विद हैवी वेट्स। अब ये तो था गैस्ट्रोनीमियस के लिए, जो नीचे पार्ट ऑफ द काफ है वो सोलियस क्योंकि उसमें हायर रेपिटेशन रेंज लगाने की जरूरत है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीटेड काफ रेजेस लगाएं उसके लिए फॉर एटलीस्ट 20-25 रेपिटेशंस, वेट आपको शायद थोड़ा कम करना पड़ सकता है। छोटी सी चीज, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर यू गाइज विद कंप्लीट डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान, उसकी पूरी सीरीज बनाना चाहता हूँ। अगर आप सही में ऐसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट करें। अगर मुझे 10,000 से ज़्यादा लाइक्स आएंगे और मुझे काफ़ी कमेंट्स आएंगे क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो आई रियली वांट कि अगर आपको ये सही में चाहिए तभी मैं इसको बनाऊंगा। और अगर आप सही में चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प आउट कीजिए कि आप फैट लॉस के ऊपर देखना चाहते हैं, क्या आप लीन बल्किंग के ऊपर देखना चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है आपकी, उसको कमेंट कीजिए एंड आई विल गेट इट डन फॉर यू। तो आई होप गाइस कि आपको अब लेग्स की पूरी एनाटॉमी समझ में आ गई है, किस तरह उसको ट्रेन करना है समझ में आ गया है। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाल बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी वीडियोस की। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यूजर अभिनव फिटनेस। आई एम गोना सी यू वेरी सून, टिल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग।